तेजस्वी यादव ने गुरुवार को अपने घर से एक पोस्ट किया और प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल पूछा कि क्या वह देश का संविधान और लोकतंत्र को बदल देना चाहते हैं या खत्म कर देना चाहते हैं। आगे देखें वीडियो। इनके प्रतिक्रिया में बीजेपी के महामंत्री ऋतुराज सिन्हा ने तेजस्वी से एक सवाल पूछा और कहा कि क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा है कि देश के अल्पसंख्यकों का हमारे संसाधनों पर पहला हक है और उनकी हालत दलितों से भी बुरी है और दलितों के आरक्षण में से एक भागीदारी अल्पसंख्यकों को भी दी जाए, ये उनके मैनिफेस्टो में लिखा गया है। तेजस्वी जी, आप बताएं अब क्या करेंगे, आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए यह वीडियो रिपोर्ट। पूछना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र और संविधान क्यों खत्म करना चाहते हैं? तेजस्वी जी, आप जो मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, आपका पूरा अधिकार है, आप पूछिए, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन पहले बिहार की जनता, विशेषकर सीमांचल की जनता जिसको अभी वोट करना है, उसके कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। सीमांचल में सबसे बड़ा मुद्दा सामाजिक समीकरण बिगड़ने का है और उसका कारण है बंगाल के रास्ते से लगातार घुसपैठ। मोदी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप दलित, वंचितों, आदिवासी, पिछड़ों के आरक्षण को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? सीमांचल की जनता जानना चाहती है कि देश में मोदी जी एनआरसी जब लगाएंगे और घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। मोदी जी, मैं जानना चाहता हूं कि आपके राज में गरीब और गरीब होता गया, अमीर और अमीर होता गया, आप क्या बनाना चाहते हैं? तो उसमें आपका क्या पोजीशन रहेगा, आपका क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप इंडिया अलायंस और कांग्रेस के साथ खड़े हैं जो इनको संरक्षण देने का बात रखती है? सीमांचल आपसे जानना चाहता है तेजस्वी जी कि आतंकवाद का केंद्र बनता जा रहा है सीमांचल का क्षेत्र। गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जीरो टॉलरेंस फॉर आतंकवाद की बात करते हैं, उसको जड़ से समाप्त करने की बात करते हैं। आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार ने आपको 40 में से 39 सांसद जिताने का काम किया, आपने बिहार के लिए क्या किया, ये हम जानना चाहते हैं। और बिहार में आकर के आप काम की बात क्यों नहीं करते? ऐसे परिवेश में तेजस्वी जी आपका स्टैंड क्या है? क्या आप इंडी अलायंस कांग्रेस के साथ खड़े हैं जो इनको संरक्षण देने की बात करती है? तेजस्वी जी, सीमांचल की जनता, विशेषकर अपने दलित भाई जानना चाहते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सच्चर कमिटी, रंगनाथ कमीशन की रिपोर्ट के संदर्भ में कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यक समाज का है। उन्होंने यह भी कहा है कि अल्पसंख्यक समाज जो है उसकी हालत दलित से भी बुरी है। अगर यह सच है तो क्या आप कांग्रेस के साथ हैं जब वो कहती है कि दलित आरक्षण में अल्पसंख्यक समाज को भागीदारी मिलेगी? क्या आप इंडिया अलायंस और कांग्रेस के साथ हैं जिसकी साफ योजना है तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, जिसकी साफ योजना है कि ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग में आ रहे भाइयों को अंबेडकर जी ने जो आरक्षण का सहयोग दिया है उसमें भी अल्पसंख्यक का कोटा बनेगा, ओबीसी आरक्षण का एक भाग काट करके अल्पसंख्यक के लिए रखा जाएगा? क्या आप इससे सहमत हैं? क्या आप राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के साथ इस मुद्दे पर खड़े हैं? तेजस्वी जी, प्रधानमंत्री जी से सवाल आप जरूर पूछें, पर सर्वप्रथम राजद का और अपना स्टैंड इन मुद्दों पर क्लियर करें।